बच्चों, कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू किया था और प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान है, उसके पहचान ऐसे हम उसको पहचान सकते हैं कि उसमें वाक्य के अंत में ह आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य में प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए तो इस वाक्य के आखिर में ह आया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इस वाक्य के अंत में, सेंटेंस के आखिर में रहा है शब्द आया है। तो हम एक अपना पहचान बना लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रही है होता है। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी हम सबसे पहले फॉर्म देखेंगे या इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, यदि सब्जेक्ट हमारे पास ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का भी नाम हो, यानी ये सब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसमें फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और इसके बाद में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ऊपर ये सेंटेंस देखा, वह स्कूल जा रहा है, तो वह यानी ही, तो हम ही के साथ हम किसको ऐड करेंगे, इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। माँ खाना पका रही है, हमारे पास अगला सेंटेंस है, माँ खाना पका रही है, पका रही है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, मदर इज कुकिंग फूड। हमने देखा कि जब सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज। फिर जो मेन वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे जा रहा है यानी जाना है मेन वर्ब, तो उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है गो, गो में हमने ऐड किया है आईएनजी, और इसके बाद ये है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसमें है मदर, मदर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मदर चूंकि सिंगुलर है तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज, मेन वर्ब है कुक, और कुक में हमने आईएनजी का प्रयोग किया है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड। अगर मानिए इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है, अगर हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना हो निगेटिव में बदलना हो, यानी आप ये जान लीजिए कि उसमें हमें नॉट को लगाना है, और वाक्य जब हम पढ़ते हैं उसमें नहीं शब्द आता हो तो वो सेंटेंस बनेगा निगेटिव। तो इस तरह निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हम लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं ये ऊपर वाले सेंटेंस को ले रही हूँ कि माँ खाना पका रही है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं, माँ खाना नहीं पका रही है, माँ खाना नहीं पका रही है। मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, माँ खाना नहीं पका रही है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, माँ यानी मदर, मदर, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, इज, किसको
क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज नॉट, इसके साथ में हमने किसको ऐड किया, नॉट कुकिंग, कुकिंग पकाने के लिए वो वर्ब होती है कुक, और खाना यानी फूड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आप तो इसको फटाफट बना सकते हैं, जैसे हो जाएगा ही, अब मैं इज के साथ में क्या लगाऊं, नॉट इज नॉट, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो हमने ये देखा कि जहाँ पर सब्जेक्ट हो, ही शी इट या किसी का नाम हो, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है इज, और फिर हम मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाकर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना लेते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, ऐसा सेंटेंस हो, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पत्र लिख रही या रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा सेंटेंस है कि मैं पत्र लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं के लिए क्या लिखेंगे हम, आई, आई के साथ में प्रयोग होता है एम का, एम के साथ हम मेन वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें हमें इसका हमको निगेटिव बनाना हो, तो हम इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो हमेशा नॉट का प्रयोग आप ये ध्यान रखिए कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये हमने कैसा सेंटेंस बनाया, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया, जैसे हमने यहाँ पर निगेटिव बनाया था, जब हमारे पास सब्जेक्ट था ही शी इट या किसी का नाम था, तो उसमें हमने इसके साथ में नॉट लगाया था, और यहाँ पर एम के साथ में हमने नॉट लगाया है। अब इसके बाद अगर हमारे एक और अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रहे हैं यानी कंटिन्यूस टेंस, बच्चे यानी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, इसको यहाँ पे हम चिल्ड्रन बोलेंगे, चिल्ड्रन, और किताब के लिए बुक, पढ़ने के लिए रीड, तो हम यहाँ से चलिए हम इसको बनाते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, वी हो, यू हो, या दे हो, या कोई भी प्लूरल हो, जैसे बॉयज गर्ल्स, ऐसा सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ में क्या लगेगा, आर, आर के बाद मेन वर्ब में, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर होगी। अब यहाँ पे ये दिया गया है बच्चे, बच्चे यानी चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ हम किसका प्रयोग करें, इसका करें कि आर का, आर का होगा, क्योंकि चिल्ड्रन ये प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, ठीक है। अब इसको अगर हमको निगेटिव में बदलना है, निगेटिव में बदलना है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग कहाँ पे करना है हमको, आर के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हमेशा ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट को लगाया जाता है। तो अब ये ऐसे बनेगा चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। तो ये हमने देखा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एम, इज और आर। इसका प्रयोग होता है ही शी इट या कोई भी नाम हो। एम इज यूज्ड विद आई, एम का प्रयोग होता है आई के साथ।
एंड आर इज यूज विद वी यू दे और एनी प्लूरल नेम. तो वी यू दे बॉयज हो गर्ल्स हो स्टूडेंट्स हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी आर. अब देखिए हम इन सब का इंट्रोगेटिव बनाना यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं. प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं. प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर आप ध्यान करिए, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और मार्क ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है. और ये हिंदी में किस तरह से बनेगा ये कि क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या मैं खाना खा रही हूँ. तो इस तरह से बनेगा एम, एम को बाहर कर लीजिए क्योंकि ये आई है यहाँ पर. एम आई ईटिंग द फूड. अगेन क्या वे गाना गा रहे हैं. हमारे पास अगला वाक्य है क्या वे गाना गा रहे हैं. ये कैसे बनेगा क्या वे, क्या वे, वे मीन्स दे, दे के साथ हम लिखेंगे आर दे. गाना गाने के लिए वर्ब होती है सिंग और हम इसमें ऐड करेंगे आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वे गाना गा रहे हैं. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना. तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि इसमें रहे है, रहा है, रही है शब्द आता है और इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर या एम, ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब. और इसके बाद में मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है. तो आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज, आप नोट कर लीजिए कि हम कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं. आप इसके लिए कुछ एक्सरसाइज लिख लीजिए. लिखिए एक्सरसाइज नंबर वन, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ. वे पत्र नहीं लिख रहे हैं. दूसरा वाक्य है वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं. तीसरा है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो. अब एक आप लोगों के लिए एक और एक अलग तरह का सेंटेंस है, देखते हैं आप लोग ने कितना सीखा. आप इस सेंटेंस को लिखिए क्या राम वन को नहीं जा रहा है, क्या राम वन को नहीं जा रहा है. इस वाक्य को भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो मैंने आज आपको चार सेंटेंस दिए, आप चारों को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे. अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि कई बार होता है कि हम ये पता नहीं लगा पाते कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब उपयोग या प्रयोग कब किया जाता है. तो देख लीजिए ना तो ये पास्ट टेंस होता है और ना ही ये फ्यूचर होता है. ठीक है. ये पास्ट और फ्यूचर के बीच की स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं नाउ. जो काम अभी हो रहा होता है, जो एक्शन अभी हो रहा होता है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का. ठीक है. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम कहानी सुनाने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए करते हैं. और जब कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो बैकग्राउंड की घटना बताते हैं या कोई भी स्टोरी सुनाई जाती है तो उसमें बताते हैं कि राजा ने ये कहा कि तुम क्या कर रहे हो. इस तरह से जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है. और आपने आजकल, आप चूँकि छुट्टियां हैं तो आप लोग टीवी शो भी देखते होंगे, तो उसमें भी कुकरी शो हो या गार्डनिंग के शो हो तो उसमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है.
मुझे आशा है कि आज आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इन जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उन एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें चौथे नंबर की एक्सरसाइज थी कि क्या राम वन को नहीं जा रहे हैं। तो ये जो मैंने चार सेंटेंस दिए हैं आप इनको बनाइएगा और मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।